कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, यह हम नहीं कह रहे बल्कि यह कहना है खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय बावल के एसजीओ अतर से का, जो यह कहकर न केवल ईमानदारी का राग अलपाने वाली खट्टर सरकार के दावों की हवा निकाल रहे हैं बल्कि सरकारी योजनाओं को जमकर पलीता भी लगा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं बावल खंड के गाँव दुल्हेड़ा खुर्द की, जहाँ इन दिनों गाँव के वाटर ट्रीटमेंट के लिए लाखों रूपये की लागत से स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभागीय स्तर पर सोलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर काम कराया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए पोन सिस्टम की दीवारें निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही न केवल टूटने लगी है बल्कि नालियों के लिए बनाए गए रैंप की सामग्री व सरिये पूरी तरह उखड़ चुके हैं। ग्रामीणों की माने तो यह निर्माण कार्य सीमेंट के स्थान पर अधिकांश कार्य मिट्टी लगाकर कराया जा रहा है। वहीं जगह जगह बनाए गए चैम्बर खुले पड़े होने के कारण कभी भी बच्चे व बुजुर्गों के गिरने का खतरा बना हुआ है। हालांकि इस मामले में वे ग्राम सरपंच से लेकर अधिकारियों तक शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी शोर ध्यान नहीं दे रहा। आजाद टीवी न्यूज के लिए रेवाड़ी से अजय सागर की रिपोर्ट। इसमें ऐसा जी ना तो कोई मान लगा है, न कोई इसमें मेटल ऐसा लगा है कि जो मजबूती हो। हमारा ये जो रैंप बने हैं, रैंप के ऊपर इसमें एक रैंप में 10 किलो सीमेंट नहीं डाली, 3 दिन में रैंप टूट गया, ना कोई सरिया इसमें। आपने इस बारे में अधिकारियों से कहा? अधिकारी कोई सुनाई नहीं करता जी, कुछ नहीं है जी। जो जोड़ के लिए हमारा पानी गंदा पानी के लिए बना है, उसमें देखा मौका जाए कि उसमें कुछ नहीं है, सीमेंट लगाई नहीं, मिट्टी के ऊपर ईंट लगा के बरसात पड़ी, सारी मिट्टी के साथ ईंट नीचे पड़ी है। यानी मिट्टी लगा करके ईंटें लगाई, ईंटें लगाई है, मसाले का इस्तेमाल नहीं, मसाला कुछ नहीं, उसके ऊपर खाली मसाला का पानी पोत रखा है सीमेंट का। आपने सरपंच से कहा इस बारे में? सरपंच से कहा, सरपंच बोला भाई आगे कार्रवाई करूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई, कोई कार्रवाई उसने करी है नहीं करी नहीं पता जी। खाया जा रहा है पूरा, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा हमारे गांव में। नालियां जो बनी है, नालियों के ऊपर कोई पानी का निकाल नहीं है हमारा। इसमें जी ना तो कुछ लगाया गया है जी, जो भी काम हुआ है सारा नाजायज हुआ है, जो पैसे आए सारे खाए गए। हमें ईंट की जगह वो सीमेंट की जगह नुई लेप लाप के यार गेर दियो, अभी नालों का रुक गो, अभी मैंने अपना हाथ से साफ करा, मैं पूरे गांव को गंदा हुए, अभी टूटो पड़ो जितना भी रैंप पे ये भी जो काम हुए ने, हम कुछ भी ना हुए। क्या अधिकारियों से मिले, कहा आपने? सरपंच से भी कही हमने, तो और तो आगे कहीं से गए हैं सरपंच, वो कहे ना हाँ आगे कार्रवाई हो रही है, ठेकेदार आए 2-3 उनसे भी कही, बोले जो करगा जो करगा, अब तो ऐसे ही रहेगा। ये जी टूटा पड़ा है, बड़ा बूढ़ा हमें इनमें पड़ जाए। कब शुरू हुआ था इसका निर्माण? ऐने कोई होगा महीनों करीब होता है, महीने के करीब हो गया। तो क्या इसमें कमी क्या देखी आपने? इसमें ये देखी ना तो सरिया गेरा ना सीमेंट गेरी, तो हल्का एक दो सरिया है, मामूली हुआ है, 2 इंच का माल में मतलब। सर प्लीज एक मिनट, नहीं था थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। मेरी बात सुनो, जो सीमेंट नारे बनाने में और इसमें जो ईटे लगी हुई है, चाहे तो हम लैब से टेस्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मटेरियल कह रहे हैं कि लोग बाग जो ग्राम लोग बाग तो कहेंगे, लोग बागों ने जो किस चीज से क्या देखे, हमारा 1000 का लग रहा है, 1500 का लग रहा है, किस चीज का मटेरियल लग रहा है, सारी चीजें टूट गई है जी। मैंने बताया रेनी सीजन है और सिर्फ पौंड की पिचिंग है, प्लांटिंग पोजिशन में ढलान पे है, जब रेनी बारिश का पानी स्पीड से जा रहा है, फर्स्ट रेनी सीजन है उसका। तो रेनी सीजन में आपने फिर वर्क स्टार्ट क्यों कराया? पहले का काम तो शुरू पहले। सर कितनी लागत से निर्माण कार्य हो रहा है? एक मिनट धर्मेंद्र, अप्रोक्स वैसे लिया जाए कितनी लागत से हो रहा है? अप्रोक्सीमेट एक एक मिनट में ये लगभग 14 लाख रुपए की लागत, सरकार का लाखों रुपया वहाँ लग रहा है। अभी जो देखने में आया है कि वहाँ मटेरियल जो लोग जिस तरीके से ग्रामीण भी बता रहे हैं कि वहाँ ग्रामीण तो पता नहीं क्या बताया सीमेंट की मिट्टी तक इस्तेमाल की गई है कई जगह। एक मिनट, हमारे एक्शन शेफ बैठे हैं, आप उनसे भी मिलिए, इनका लैब में टेस्ट करवाना चाहिए लैब में टेस्ट करवा ले, लेकिन रेनी सीजन की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुआ है, बाकी और कोई कमी नहीं है इसमें। सर ये क्या निर्माण कार्य हो रहा है ये वैसे? क्या निर्माण कार्य? ये सोलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का पैसा है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए है, वाटर ट्रीटमेंट BOT COD जो चेक होती है उसके हिसाब से ये किया जाए, बाकी और नाले बने हमारे, नाले में कहीं डिस्टर्बेंस है? आप देख के आए हो, पूरे नाले बने हुए हैं, नाले में तो कहीं डिस्टर्बेंस नहीं है, जो छोटी ओदी बना रखी है उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सर ओदी के नीचे जो पाइप दे रखा है उसमें नीचे ईंट बिछा के ऊपर वो लीप दी, उसमें कोई मसाला कोई माल कहीं नहीं, किस चीज लकड़ी के फट्टे तक इस्तेमाल किए गए हैं उसमें? नहीं बस सेटरिंग के लिए तो लकड़ी के फट्टे इस्तेमाल होंगे जी, प्लाई आजकल बिल्डिंगों में भी प्लाई का इस्तेमाल हो रहा है, सरिया डाल रखे सर आपको हम दिखाएंगे, सरिया नहीं हो सकता, आप बेशक उसको पूरे को हम तुड़वा के चेक करवा सकते, एक सरिया नहीं हो सकता,
एक सरिया नहीं हो सकता इस वक्त की गारंटी, पूरे लेंडर को तुलवा के चेक करवा सकते हैं। सर ऐसा नहीं लग रहा कहीं सरकार के पैसे को जो एक तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं।